धन आवश्यक है ऋषि अत्रे, क्योंकि धन मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है। किंतु जब कोई व्यक्ति इच्छाओं को आवश्यकता समझने लगे तो धन कितना ही क्यों ना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं अंतहीन है। इसलिए मनुष्य कभी ना समाप्त होने वाली इच्छाओं की पूर्ति हेतु धन संचय को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ लेता है। वो लोभी बन जाता है। वो भूल जाता है कि उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर के समीप आना है। ऐसे लोभी व्यक्तियों को अपनी मृत्यु के समय भी यही दुख रहता है कि उन्होंने क्या कुछ नहीं पाया, क्या शेष रह गया। ऐसे समय में वो एक क्षण के लिए भी ईश्वर का स्मरण नहीं करते, अपने जीवन की निरर्थकता और व्यर्थता का बोध नहीं होता। बिल्कुल उस व्यापारी की भांति। कौन व्यापारी प्रभु? वो व्यापारी जिसके पास इस संसार में जीवन निर्वाह हेतु सब कुछ था, उसके पास घर था, छोटा था किंतु उसके परिवार के लिए पर्याप्त था। उसके छोटे से परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु भोजन व धन की भी कोई कमी नहीं थी, किंतु व्यापारी सदैव और धन संपत्ति संचय करने की चिंता में डूबा रहता था। सब कुछ होते हुए भी वो सुखी नहीं था, क्योंकि वो यही सोचता रहता था कि उसके पास क्या क्या नहीं। एक दिन किसी ने उसे बताया कि नारायण के वरदान से सब कुछ मिल सकता है। धन के लोभ में वो नारायण की तपस्या करने निकल पड़ा। ओम विष्णुवे नमः। और इस प्रकार वो कई वर्षों तक नारायण की तपस्या करता रहा। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। वत्स, प्रणाम प्रभु। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? प्रभु प्रभु, मुझे समस्त संसार की भूमि चाहिए। संसार में जितना भी धन है सब मेरा हो जाए। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूं तुम्हें इतना सब कुछ क्यों चाहिए? मैं सुखी रहना चाहता हूं प्रभु, और धन संपत्ति ही सुख का माध्यम है। किंतु संसार की परिभाषा हर किसी के लिए भिन्न होती है वत्स। कुएं में बैठे मेंढक के लिए वो उसका संसार होता है। तुम बताओ वत्स, तुम्हारे लिए संसार की क्या परिभाषा है? सब कुछ प्रभु। जो कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा है वो सब कुछ संसार ही तो है प्रभु। उचित है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जितना भी संसार तुम अपने नेत्रों से स्वयं देख सको वो तुम्हारा होगा। किंतु जो तुम नहीं देखोगे वो तुम्हारा नहीं होगा। अब
अब इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति मैं बन जाऊंगा प्रभु, और सबसे सुखी भी। सब मेरा, ये सब भी मेरा। उसने सोचा यदि वो दौड़ के समस्त संसार को देख ले तो वरदान अनुसार सब उसका हो जाए। यहां से वहां, वहां से यहां, वो चारों दिशाओं में भागने लगा। जो भी दिखा वो उसे अपना बनाता गया, किंतु उसका लालच कम नहीं, अभी तो और बढ़ता गया। निरंतर भागते रहने के कारण शीघ्र उसका शरीर उसका साथ देने में असमर्थ हो गया। इस प्रकार उसके पास केवल उतनी ही भूमि रही जिस पे उसका मृत शरीर पड़ा हुआ था। महादेव, महादेव! अकेला उसके पास उसके परिवार का सुख भी था, किंतु उसने उसका आनंद नहीं उठाया। इसलिए सुखी जीवन हेतु धन की प्रचुरता नहीं, अभी तो अपनी इच्छा और आवश्यकता में अंतर समझना अनिवार्य है। किंतु प्रभु, जो पहले से ही धनी हो उसे क्या करना चाहिए? धन चाहे कितना भी हो ऋषियत्र, मूल आवश्यकता है तो केवल उतनी ही। ढकने के लिए वस्त्र, पेट भरने के लिए आहार और शरण के लिए भवन, इन आवश्यकताओं के पूर्ण होने के पश्चात जो भी है वो इच्छा है। धनी व्यक्ति के पास जो भी अतिरिक्त धन होता है वो उसे दान करना चाहिए, उनके उद्धार के लिए जो अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। ऐसा करने से संसार में समानता होगी, वेश नहीं होगा, सद्भावना बनी रहेगी। किंतु कुछ व्यक्ति इस तथ्य को समझ ही नहीं पाते। अपने एकत्रित किए हुए धन से इतना मोह हो जाता है कि वो उसका एक अंश भी किसी और को नहीं देना चाहते।